दोस्तों, हमारे कंप्यूटर्स, हमारे स्मार्टफोन्स वगैरह कंप्यूटिंग डिवाइसेस बहुत ही सारे कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है, जिनमें से कुछ हार्डवेयर होते हैं और कुछ होते हैं सॉफ्टवेयर। अब ऐसे में जब सबसे पहला कंप्यूटर ईजाद हुआ था, वो बहुत ही सिंपल था, जिसमें एक सीपीयू, रैम थोड़ी और थोड़ा स्टोरेज और कुछ इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज जैसे कि मॉनिटर और कीबोर्ड वगैरह उसके साथ इंटरफेस किए गए थे। और उस वक्त जैसे यूज़र इंटरेक्ट करता था, ह्यूमंस किस तरह से कंप्यूटर से इंटरेक्ट करते थे, वो बेसिकली CLI था, कमांड लाइन इंटरफेस था। हम कुछ कमांड्स टाइप करते थे कीबोर्ड से और स्क्रीन पर हमें डिजायर्ड आउटपुट मिलता था। पर धीरे धीरे हम कंप्यूटर से क्या काम करवाना चाहते हैं उनका नंबर बढ़ता गया, मतलब हम जितना काम करवा रहे हैं वो बढ़ते गए और हम जिस तरह के काम करवा रहे हैं उनकी कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती गई। और ऐसे में हमारे सीपीयू के ऊपर जो लोड है, वो जो प्रेशर है, जो वर्कलोड है, वो बढ़ता गया। और साथ ही साथ हो रहा था एक ट्रांसफॉर्मेशन, हम CLI से जा रहे थे GUI की तरफ। CLI यानी कि कमांड लाइन इंटरफेस से हम GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की तरफ जा रहे थे। यहाँ पे CLI के कमांड्स की जगह ले ली थी क्लिक्स ने, माउस से हम पॉइंट और क्लिक करते थे और जिसके जरिए हम इनपुट देते थे अपने कंप्यूटर्स को। यहाँ पे स्क्रीन पे आउटपुट जो आता था वो विजुअल इंटरफेस ने ले लिया था और ग्राफिकल इंटरफेस ने ले लिया था, जहाँ पे एलिमेंट्स थे, आइकन्स थे, विंडोज थी, बटन्स थे, मेन्यूज वगैरह थी। तो इस तरह से एक ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए CPU पे हमारे बहुत ही ज़्यादा लोड पड़ने लगा था और कंप्यूटर का जो डिज़ाइन होता था, ओवरऑल डिज़ाइन, वो सिंपल नहीं रह गया। और ऐसे वक्त में 1999 के आसपास NVIDIA ने सबसे पहला GPU यानी कि ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट इंट्रोड्यूस किया मार्केट में, जिसका नाम था GeForce 256। अब ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस जहाँ हमें इफेक्ट दिखता है GPU के होने या ना होने का, वो है गेमिंग में। अब उसके ज़रिए ही मैं आपको GPU समझाने की कोशिश करूँगा। अब गेमिंग में क्या होता है कि CPU और GPU हैंड इन हैंड एकदम साथ साथ काम करते हैं। और गेमिंग में क्या होता है कि आपको स्क्रीन पर जो चीज़ें दिख रही हैं, आप उनसे कितनी जल्दी इंटरेक्ट कर रहे हो, आप कितनी जल्दी से उस पर एक्शन ले रहे हो, इसका ही सारा खेल होता है। कि आपको स्क्रीन पे एनिमी देखा, आपने उसे स्पॉट किया और आपने तुरंत एम किया और उसे शूट कर दिया। आप जितनी जल्दी एम करोगे उतना ही ज़्यादा एफिशिएंट प्लेयर, उतना ही ज़्यादा अच्छे प्लेयर आप हो। अब यहाँ पे GPU क्या काम करता है कि आपको स्क्रीन पे जो भी दिख रहा होता है वो GPU कंपोज कर रहा होता है। बेसिकली आपको स्क्रीन में जो भी दिख रहा है वो जैसा दिख रहा है वो GPU की वजह से दिख रहा है। CPU का काम क्या होता है, CPU जो कि ब्रेन होता है कंप्यूटर का, उसका काम ये होता है कि वो लॉजिक को गवर्न करता है। मतलब कि अगर गेम का एग्जांपल लूँ मैं, तो आपको एनिमी दिखा, आपने उस पर एम किया, आपने टैप किया स्क्रीन पे या क्लिक किया माउस पे और गोली चली, तो ये जो लॉजिक है कि आपने क्लिक किया माउस पे या स्क्रीन पे टैप किया और गोली चली, लॉजिक से गवर्न जो एक्शन है, क्लिक करने पे गोली चलनी है, ये CPU डिसाइड करता है कि आप अगर कोई एक्शन ले रहे हो तो उस एक्शन का क्या रिजल्ट होगा, वो CPU डिसाइड करता है। और वो गोली किस तरह की दिखेगी, वो गोली जब एनिमी पे हिट करती है तो वो किस तरह के दिखेगा, वो पूरा जो सीन होता है वो GPU डिसाइड करता है। आई होप कि ये सिंपल से एग्जांपल से आप समझ गए होगे कि बेसिकली क्या हो रहा है। CPU लॉजिक का सारा काम करता है और GPU लॉजिक के ऊपर जो लेयर होती है, जो आपको जो भी विजुअल चीज़ें दिख रही हैं, जो भी विजुअल एलिमेंट्स है, गेम कितना अच्छा दिख रहा है, पूरा एनवायरनमेंट कितना अच्छा दिख रहा है, एनवायरनमेंट किस तरह से इंटरेक्ट कर रहा है आपस में, ये सब GPU डिसाइड करता है। और CPU सारी लॉजिक्स डिसाइड करता है कि अगर आपने क्लिक किया तो आप इनपुट दे रहे हो, जिस तरह का इनपुट दे रहे हो उसके अकॉर्डिंग क्या एक्शन होने वाला है, वो CPU डिसाइड करता है। आई होप आप ये समझ गए होंगे। अब बात करते हैं आर्किटेक्चर की। तो प्रेजेंट जनरेशन का जो सबसे अच्छा CPU इंटेल का है i9, वो 8 core 16 threads का है। तो जनरली जो CPU होते हैं उनमें नंबर ऑफ कोर बहुत कम होती हैं, वो एक इंस्ट्रक्शन को उठाते हैं और बहुत बड़ी कैश मेमोरी होती है उनके पास, वहाँ पे उस इंस्ट्रक्शन को रखते हैं और अकॉर्डिंगली उसे प्रोसेस करते हैं। अब इसी के कंपेरिजन में ये इंटेल का बेस्ट CPU था, जिसमें 8 core 16 threads हैं। इसी के कंपेरिजन में अगर मैं NVIDIA के एंट्री लेवल GPU जो प्रेजेंट जनरेशन का है 1650 उसकी बात करूँ, तो उसमें 800 से ज़्यादा प्रोसेसिंग कोर्स होती हैं। अब यहाँ पे GPU करता क्या है कि एक बहुत ही पुराना कॉन्सेप्ट है पैरेलल प्रोसेसिंग की। अगर आप एक ही काम कई सारे लोगों पे डिवाइड कर दें, एक ही काम के कई सारे टुकड़े करके उसे कई सारे लोगों पे डिवाइड कर दें और वो एक साथ उस काम के टुकड़ों को प्रोसेस करें, तो आपको रिजल्ट जल्दी मिल जाएगा। बेसिकली पैरेलल प्रोसेसिंग यही काम करता है। एक काम को 800 थ्रेड्स में अगर आप डिवाइड कर देंगे तो वो बहुत ही जल्दी इंस्टेंटली आपको नियर इंस्टेंटली मिल जाएगा। तो GPU के अंदर पैरेलल प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है और इसकी वजह से वो बहुत ही तेज़ी से, क्योंकि आपको जो विजुअल एलिमेंट्स है, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, वो आपको एकदम रियल टाइम दिखना चाहिए, तुरंत के तुरंत दिखना चाहिए, नहीं तो आपको लैगी लगेगा। जो आप इंटरेक्शन कर रहे हो वो आपको उतना रियल नहीं लगेगा, लैगी लगेगा। इसलिए GPU इंस्टेंटली रिस्पॉन्ड करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है, बहुत ही तेज़ी से प्रोसेस करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है और उस वहाँ पे पैरेलल प्रोसेसिंग का यूज़ किया जाता है, एक काम को कई सारी थ्रेड्स में डिवाइड करके। अब GPUs का स्कोप सिर्फ गेमिंग तक लिमिटेड
लिमिटेड नहीं है. GPUs का स्कोप बहुत ही वाइड है क्योंकि बेसिकली ये प्रोसेसिंग डिवाइसेस हैं, प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, और इनका यूज़ कई सारे अलग यूनिट्स में, कई सारी अलग फील्ड्स में भी किया जा रहा है, जैसे कि AI की फील्ड में, क्योंकि GPU पैरेलल प्रोसेसिंग का यूज़ करते हैं और बहुत ही तेज़ी से रिजल्ट्स दे सकते हैं. इसलिए AI के जो मशीन लर्निंग और AI के जो डेटा सेंटर्स में इम्प्लीमेंटेशन होते हैं, वहाँ पर भी GPU की प्रोसेसिंग यूज़ की जाती है. अगर आपने क्रिप्टो माइनिंग का नाम सुना हो तो क्रिप्टो माइनिंग में भी GPU का यूज़ किया जा रहा था, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत ही ज़्यादा पैरालाइज्ड प्रोसेस, पैरालाइज्ड वर्कलोड की ज़रूरत थी. साथ ही क्योंकि इनकी ग्राफिकल प्रोसेसिंग बहुत ही अच्छी होती है, इसलिए जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स है वहाँ पर भी इनको यूज़ किया जा रहा है. कैसे ऑब्जेक्ट रिकग्नाइज किया जा सके, कार के आसपास कैसी चीज़ें हैं, ह्यूमंस हैं, लेन्स हैं, रोड है, दूसरे व्हीकल्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करना, क्योंकि ग्राफिकल प्रोसेसिंग बहुत अच्छी होती है GPUs की, इसलिए वहाँ पे भी इन्हें यूज़ किया जाता है. और क्योंकि ये नियर रियल टाइम आउटपुट देते हैं, बहुत ही जल्दी आउटपुट देते हैं, इसलिए भी इन्हें सेल्फ ड्राइविंग कार्स में यूज़ किया जाता है. तो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड ऑन GPUs. उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा. अगर आपके पास कोई शिकायत या सुझाव है तो वो मुझे कमेंट्स में बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिल जाए. एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. नमस्कार, आपका दिन शुभ हो.